नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। रंगों के त्यौहार होली के पर्व पर पुराने शहर में आज भी 200 साल पुरानी परंपरा को पूरी शिद्दत के साथ निभाया जाता है। इस परंपरा के तहत पुराने शहर के सभी बुजुर्ग एक पंचायत का आयोजन करते हैं, जिसमें सर्वसम्मति से उन लोगों के घरों को चिन्हित किया जाता है जिनके घरों में साल भर में जो भी गमी किसी की भी मृत्यु हो जाती है। होली के दिन उन सभी के घरों पर पहुंचकर पंचायत के बुजुर्ग सदस्यों द्वारा रंग और गुलाल लगाकर पुनः उस घर में खुशियां लौटाई जाती हैं। आज भी होली के अवसर पर 200 साल पुरानी परंपरा को निभाकर होली जैसे त्यौहार पर सद्भावना को जीवित रखा गया है। परंपरा जो है अपने शहर के लिए गौरव मिलते हैं और सभी को जो है इसी भाईचारे के साथ होली का पर्व मनाकर दूसरों की जो है दुख की घड़ी में अपना एक योगदान देना चाहिए। और ये परंपरा बड़ी सराहनीय है। मैं सभी लोगों को अपनी ओर से मेरे परिवार से हार्दिक शुभकामनाएं भेंट करता हूँ। जिले के पिपलौदा नगर के जैन दादाबाड़ी में हुई लाखों की चोरी के आरोपियों को राजस्थान के सालमगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वह मध्य प्रदेश सहित राजस्थान व अन्य राज्यों की चोरियों में भी आरोपित लिप्त थे, इसलिए राजस्थान पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को राजस्थान के प्रतापगढ़ कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पिपलौदा पुलिस को नगर सहित थाना क्षेत्र के अन्य स्थानों पर हुई चोरी की वारदातों में आरोपियों पर शंका थी, इसलिए पिपलौदा पुलिस ने राजस्थान के प्रतापगढ़ कोर्ट में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए PR याचिका दायर की थी। कोर्ट ने याचिका मंजूर करते हुए आरोपियों को मंगलवार को पिपलौदा पुलिस के हवाले कर दिया है। अब पिपलौदा पुलिस आरोपियों से नगर सहित थाना क्षेत्र के अन्य स्थानों पर हुई चोरी की वारदातों की पूछताछ कर रही है। दिनांक 3/3/19 की रात 2 बजे दादावाड़ी मंदिर से मूर्तियां, मुकुट और थाली और घंटी चुरा के ले गए थे। कुछ माल सालमगढ़ में जब्त हो गया था। आरोपी गणों को न्यायालय जावरा में प्रोटेक्शन वारंट से लाए थे, जिनको मैंने गिरफ्तारी की और जो शेष माल था उनके द्वारा मेरे द्वारा रिकवर किया गया, जब्त किया। आरोपी PR पे हैं, शेष अपराधों के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। आरोपी शातर, इनके काफ़ी अपराध राजस्थान में भी हैं और आत्तन अपराधी हैं। सर कुल कितने अपराधी? 3 अपराधी हैं, एक उसमें बाल अपराधी है, ठीक है, आरोपी प्रेम शंकर और राजू। नहीं, मैं थाना क्षेत्र का एक अपराध और है, कोई चोरी का है आयना मंदिर का, उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। कभी कुछ बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं, है? पुलिस अपनी हिकमत अमली से पूछताछ कर रहा हूँ। शाहजहाँपुर की शहर कोतवाली में हुड़दंगियों का ये रेला लाट साहब के जुलूस का है और भैंसा गाड़ी पर बैठकर जिस व्यक्ति को जूते से पीटा जा रहा है, ये शाहजहाँपुर की होली के लाट साहब हैं। यहाँ लाट साहब का जुलूस निकालने की ये परंपरा दशकों पुरानी है। दरअसल अंग्रेज़ों ने जो जुल्म हिंदुस्तानियों पर किए, वो दुख आज भी हर किसी के दिल में मौजूद है। यहाँ के लोग अंग्रेज़ों के प्रति अपना दर्द और आक्रोश बेहद अनूठे ढंग से प्रदर्शित करते हैं। लाट साहब के इस जुलूस में अंग्रेज़ के रूप में एक व्यक्ति को भैंसा गाड़ी पर बिठाते हुए और उसे जूते पर झाड़ू से पीटते हुए पूरे शहर में घुमाया जाता है। पहले यहाँ जुलूस की खास बात ये होती थी, इस लाट साहब के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं होता था, लेकिन जब ये जुलूस मेन रोड पर आता था तो लाल साहब को एक पन्नी की चादर से ढक दिया जाता था। लेकिन समय के साथ साथ इस परंपरा में काफ़ी बदलाव आया और अब लाट साहब को कपड़े पहनाकर भैंसा गाड़ी पर बैठाया जाता है और जूतों से लाट साहब का सिर न फूटे, इसलिए लाट साहब को हेलमेट भी पहनाया जाता है। इस जुलूस में लाखों की संख्या में हुड़दंगी जमकर हुड़दंग मचाते हैं, क्योंकि ये शाहजहाँपुरा की वर्षों पुरानी परंपरा है। रतलाम जिले में बुराई को जलाकर अच्छाई प्राप्त करने का पर्व होली पूर्णिमा रात्रि को होलिका दहन किया गया और दूसरे दिन हर गांव व शहर में धुलंडी का पर्व मनाया। जैसे ही गांव बिछौड़िया में
सदर बाजार से पूरे नगर में ढोल की थाप पर नाचते गाते रंग गुलाल उड़ाते हुए युवा वर्ग उमंग की मस्ती से फाइटर फव्वारे की बौछार लगाते हुए ही कपड़े फाड़ होली खेलते हुए युवा दिखे, जिसमें सालों पुरानी परंपरा के अनुसार ही होली खेलते आ रहे, जिसमें गांव के युवाओं ने हर साल की तरह इस साल भी कपड़े फाड़ होली खेलते दिखाई दिए।